जय काल भैरव। दादाजी, आपने इस मूर्ति की जिन शक्तियों के बारे में मुझे बताया था, उन सब का नजारा मैंने बिल्कुल अभी अभी देखा है। बस अब मुझे इन सब शक्तियों को अपने अंदर एकत्रित कर लेना है। इसे अब और इंतजार नहीं होता। क्या वो मूर्ति अभी तुम्हारे पास है? किसी को पता नहीं इस बारे में? हाँ, मूर्ति मेरे पास है, सिर्फ अभिराम जानता है इसके बारे में। तुरंत वो मूर्ति को लेकर मेरे पास आओ। इंतजार अब मुझसे नहीं हो रहा। उस मूर्ति की शक्तियाँ अब हमारे होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी पहुँचो। जी, मैं मूर्ति लेकर अभी आ रही हूँ। अभिराम, मैं दादाजी के पास जा रही हूँ मूर्ति लेकर। हाँ चलो। मेरा मतलब है, जी चलिए। नहीं, तुम यहीं रुकोगे। ये दो प्यार के पंछियों पर नजर रखना, और अगर जरा भी इनके पर फड़फड़ाएं तो इनको जान से मार देना। चुपचाप जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर गाड़ी लेकर चलो। सुधीर जी, ये वरना इस बच्चे को यहीं पर खत्म कर दूंगा मैं। मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। सुधीर जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मूर्ति मैं आप ही के लिए लेकर आ रही थी। चुप करो, धोखेबाज हो तुम लोग, सबके सब धोखेबाज हो। एक तो तुम लोग और वो मेरा भाई बाली, उसने भी धोखे से मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, और तुम लोग धोखे से मेरे गुप्त ठिकाने पर आकर इस मूर्ति को चुराना चाहते हो। चुपचाप गाड़ी आगे चलो। ए, कोई चालाकी नहीं करना। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां देख चुका हूं। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ शक्तियां है, ना सिर्फ तुम्हारे पास, वो तुम्हारे साथ आई थी ना वो महारानी, उसके भी शक्तियों का नजारा मैं अभी देख कर आ रहा हूं मेरे भाई बाली की हवेली पर। न जाने तुम लोग इस मूर्ति के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन एक बात सुनो, जब तक मुझे मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत नहीं मिलता, कोई भी मुझसे ये मूर्ति छीन नहीं सकता। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो बच्चे को मैं मार दूंगा। मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। हाँ, मैं सब दे रही हूँ। आप प्लीज ये चाकू मेरे बच्चे से दूर रखिए, नहीं तो उसको लग जाएगा। प्लीज, जब तक आप मेरी बात मानती रहोगी, ये चाकू बच्चे से दूर रहेगा। ये लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। दादी, 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 आप यहाँ क्या कर रही हैं? और हम ये कहाँ पर हैं? पता नहीं बेटा, जब हम लोग यहाँ आए तो आप बेहोश पड़ी थी, सारी चीजें उथल पुथल हो रही थी, और बाली के भी लोग यहाँ बेहोश पड़े थे। फिर बाली के गुंडे आए और उन्होंने हमें बांध कर यहाँ छोड़ दिया। और बेटा, वो जो वो क्या नाम था, सुधीर, हाँ, सुधीर की पत्नी और बच्चे को आप बचाने के लिए जो अंदर आए थे, वो लोग
उन्हें भी पकड़कर पता नहीं कहां ले गए अलग से। यशपाल जी, यशपाल जी, आप ठीक हैं? आप दोनों भी, संभाल के, संभाल के। अभी चला, अगर मेरे घाव का जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मेरी जान जा सकती है। लोगों को कुछ कर लूंगा, यहां से निकलना बहुत जरूरी। संभाल के, संभाल के। सुधीर जी, एक बार मेरी चल आगे, नहीं तो बच्चे को मार दूंगा मैं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे, मैं चल रही हूँ, चल रही हूँ। आगे बढ़ो। पाली, जिस मूर्ति की मैं बात कर रहा था, ये वही मूर्ति है। और ये वो चैन जिसे छूकर ये वंदना कुछ जादू टोना करती है। और इसी मूर्ति के बदौलत ये राज परिवार वाले मुझे मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। भाली, इस मूर्ति में वाकई बेहद अद्भुत शक्ति है, मैंने खुद देखा है। देखो भाली, ये सारी शक्तियां तुम्हारी हो सकती है, बस मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो और ये मूर्ति और शक्ति तुम ले लो। और इस राज परिवार का जो करना है तुम कर लो। ऐसी क्या खास बात है इस मूर्ति में और उस महारानी अर्चना में कि उसकी नृत्य से सारी हवेली काम उठी? ना सिर्फ महारानी अर्चना, पर ये वंदना भी सारी शक्तियों से भरी पड़ी है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। वो इस मूर्ति के सामने बैठी थी, कुछ ध्यान धारणा कर रही थी। उसके बाद उसने अपने चैन पे कुछ हाथ रखकर मंत्र जाप बोला और ऐसे हाथ फैलाकर कुछ जप करने लगी। और उसके बाद उसके अंदर इतनी सारी शक्तियां आ गई कि उस कमरे के आसपास के सारे चीजें ऊपर उठने लगी और उसके इर्द गिर्द तैरने लगी। क्या सच में ऐसी क्या शक्ति है इस मूर्ति में और इस चैन में, ये लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं? भैया, एक बार ये चेन और मूर्ति मुझे दे दो, फिर ये सब कैसे होता है मैं अच्छे से बताऊंगी तुम सबको।